हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों चलिए आज आपको बैंकिट के बारे में बता देते हैं, क्या क्या फ़ायदा है और किस प्रकार आप इसको यूज कर सकते हो और क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन आते हैं। तो देखिए, बैंकिट का हमारे पास पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले हमारा बैलेंस देखोगे तो 18,053 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि आप लोड मनी करना चाहते हो तो यहाँ से पीजी सर्विस से लोड कार्ड, भीम ऐप, गूगल पे, सभी से यहाँ से पैसे लोड कर सकते हो। उसके बाद में एपीएस की बात करते हैं तो दोस्तों, एपीएस में यदि आप आधार कार्ड से 3,000 रुपये निकालते हो तो 3,000 पे 10 रुपये कमीशन मिलता है। उसके बाद में माइक्रो एटीएम पे भी यही कमीशन मिलता है। और यहाँ पे देखिए, एक बीसी वॉलेट बना रखा है, यानी कि इस वॉलेट से आप पेटीएम वॉलेट में पैसा भेजते हो तो उस पर कमीशन मिलता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक प्रीपेड कार्ड बनाया जाता है, तो इस प्रीपेड कार्ड से यदि आप बिजली का बिल भरते हो तो उस पर 1,00,000 पर 700 रुपये कमीशन मिलता है। तो चलिए आज आपको बात करते हैं, तो चलिए आज आपको सेटलमेंट कैसे करते हैं और किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे नीचे सेटलमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए सेटलमेंट का ऑप्शन खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी नया बैंक ऐड करते हैं तो यहाँ पे, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं। मोबाइल नंबर आप कोई भी टाइप कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपको इसका पोर्टल चाहिए तो आप हमारे इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अकाउंट नंबर टाइप कर दीजिए और कंफर्म अकाउंट नंबर टाइप कर दीजिए। तो चलिए मैं एक बार यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक कर देते हो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में आपको इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद में दोबारा से यहीं पे सेटलमेंट के ऑप्शन पे आपको आ जाना है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे टिक करने के लिए सेटलमेंट का, तो सेटलमेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर सेटलमेंट टाइप दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो आपको एपीएस सेलेक्ट करना है, यदि आपने आधार कार्ड से निकाला है तो एपीएस। उसके बाद में देखिए यहाँ पे बैलेंस आ चुका है जो हमने एपीएस किया था, और यहाँ पे खाली जगह दिखा रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है। जो भी हमने बैंक ऐड कर रखा है वो यहाँ पे डिटेल दिखाएगा। तो चलिए एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बैंक यहाँ पे आ चुका है, तो हम ये बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। करना है नीचे स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पे 5 रुपये दिखाई देगा। यदि आप यहाँ पे मूव टू बैंक करते हो, चाहे 50,000 करो चाहे 1,00,000 करो, 5 रुपये ही चार्ज कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप बैंक 15 बैंक ऐड कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा पोर्टल है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, रिटेलर आईडी लेना चाहते हो तो भी संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद में चलिए मैं नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है। और दोस्तों सेटलमेंट 24 घंटे कभी भी कर सकते हो। और इसको यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, हमने कितना पैसा यहाँ पे चाहिए, तो 18,000 रुपये हम इसमें डाल लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही सबमिट करते हैं थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे देखिए सेटलमेंट रिक्वेस्ट रिसीव सक्सेसफुल, और ओके कर दीजिए। तो अभी कुछ ही देर के अंदर मैसेज आ जाएगा बैंक की तरफ से, और यहाँ पे बैलेंस देखोगे तो हमारा बैलेंस कट चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा पोर्टल है। इस पोर्टल को लेने के लिए नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास बैंक की तरफ से मैसेज भी आ चुका है, यहाँ पे 18,000 रुपये डल चुका है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी सर्विस है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे जो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब।